क्या आपके भी वन टैप नहीं लगते? हाँ भाई हाँ। तो ये लीजिए आयुर्वेदिक हैक, जिसे यूज करने से आपके वन टैप लगेंगे। बट इसका एक बहुत ज्यादा छोटा सा लॉस पॉइंट है कि इससे आपकी आईडी 100% बैन होगी। हाँ भाई दीदी दीदी। सर इससे आपकी आईडी बैन हो जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पहले ही मैंने 3 आईडी बैन करा के रखा है, 1 आईडी और बैन हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। ओके सर, ये लीजिए आपका आयुर्वेदिक हैक। यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर अभी इतना वन टैप मारेगा कि किसी ने सोची ना होगी। सो व्हाट्स अप गाइस, किसो आप लोग आई होप से बचोगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप वुडपेकर से वन टैप हेडशॉट कैसे मार सकते हो। वुडपेकर मतलब ये तीनों गन, क्योंकि ये तीनों गन का जो एम है वो सेम है, ड्रैग भी सेम है, कितना ड्रैग करना चाहिए वो भी सेम है। जो कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सा ड्रैग करना चाहिए, कितना ड्रैग करना चाहिए और आपका जो एम है वो किधर रखना चाहिए, जिससे आप एकदम इजिली वन टैप मार पाओ, हेडशॉट मार पाओ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आज की वीडियो में आपका फेवरेट यूट्यूबर कुछ ऐसे टिप्स देने वाला है जिससे सही में आपका काहे का फेवरेट यूट्यूबर है। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जल्द से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे झंडे के बाद। वुडपेकर, तो गाइस वुडपेकर से वन टैप देने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक गन में इंपॉर्टेंट होता है। पहला एम, ड्रैग और कौन सा ड्रैग करना चाहिए, और आपका कैरेक्टर का एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन रहना चाहिए जिससे आप एकदम इजीली वन टैप मार पाओ। नहीं तो पता चला आप जॉयस्टिक यूज करके वन टैप दे रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा गंदा लगता है। मैं आपको प्रोफेशनली वन टैप मारना सिखाऊंगा, जिससे आप एकदम इजीली वन टैप मारोगे, गन स्विच कर लोगे, जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप शॉर्ट रेंज में वुडपेकर से कैसे वन टैप दे सकते हो, और ये तीनों गन से भी, क्योंकि अगर आप वुडपेकर से शॉर्ट रेंज में वन टैप देना सीख जाते हो तो ये तीनों गन से भी एकदम इजीली मार पाओगे। अभी बिना टाइम वेस्ट किए गए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ड्रैग से स्टार्ट करेंगे कि आपको ड्रैग कौन कौन सा करना चाहिए शॉर्ट रेंज में वुडपेकर से वन टैप देने के लिए। तो गाइस ड्रैग में आप दोनों ही ड्रैग कर सकते हो, मीन्स जो आप नॉर्मली दो ड्रैग करते हो, पहला तो रोटेशन ड्रैग और स्ट्रेट ड्रैग, ये दोनों ड्रैग ही आप अप्लाई कर सकते हो। कोई कॉन्फर्म ड्रैग नहीं है कि सिर्फ आपको रोटेशन ड्रैग करना चाहिए या स्ट्रेट ड्रैग करना चाहिए, आप दोनों ड्रैग ही कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ड्रैग जो है शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा काम आता है, दोनों से ही वन टैप लगते। अभी बात करते गाइस कि आपको ड्रैग कितना करना चाहिए। तो गाइस आपको ड्रैग कितना करना चाहिए वो आपके एम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका एम एनिमीज के बॉडी के ऊपर है, पर बॉडी के ऊपर है बट बहुत ज्यादा नीचे, तो आपको थोड़ा सा जोर से ड्रैग करना पड़ सकता है। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, जो ये वुडपेकर हो गया और ये तीनों गन हो गए, इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब इनमें जोर से ड्रैग करना मतलब हाफ स्क्रीन से थोड़ा ज्यादा, जिधर तक मैं आपको दिखा रहा हूँ उतना ही ड्रैग करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इसमें क्विक ड्रैग नहीं करना है, आपको लाइटली ही ड्रैग करना है। बट इतना भी लाइटली मत कर देना कि आपका गोली एनिमीज के बॉडी के ऊपर ही लॉक हो जाए। जैसे आप क्विक ड्रैग करते हो ना, एकदम क्विक ड्रैग, उससे थोड़ा सा कम करना और लाइटली करना। कभी भी आप ड्रैग वाले बटन को जोर से पकड़ के एकदम क्विक ड्रैग करोगे ना, तो आपका 101% गोली रिक्वायर मारेगा ये तीनों गन में। और गाइस आपको ड्रैग वाले बटन को कितना ऊपर तक होल्ड करके लेके जाना, मैं आपको बैकग्राउंड में अभी दिखा रहा हूँ, जिधर तक रेड डॉट दिखा रहा हूँ उधर तक आपको लेके जाना है, लो इन डिवाइस और हाई इन डिवाइस में दोनों का ही बता रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि आपको कितना ड्रैग करना चाहिए और कैसा ड्रैग करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी बात करते गाइस कि आपको एम किधर रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप एम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि आप रोटेशन ड्रैग भी कर सकते हो और स्ट्रेट ड्रैग भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एम को कंट्रोल करने जाओगे तो कभी नहीं होगा, और शॉर्ट रेंज में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपका जिस हिसाब से नेचुरली एम बनता है, नेचुरली मतलब रेंडमली जिधर भी आपका एम बनता है उसी के हिसाब से ड्रैग करो। अभी बात करते गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, कि आप लॉन्ग रेंज में वुडपेकर से और ये बाकी जो तीनों गन है इसे वन टैप कैसे दे सकते हो, हेडशॉट कैसे मार सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते कि आपको ड्रैग कौन सा करना चाहिए। तो गाइस इसमें एक ही ड्रैग करना है, वो है स्ट्रेट ड्रैग। लॉन्ग रेंज में आप रोटेशन ड्रैग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वुड पे करो ये तीनों गन में सेंसिटिविटी पहले से बहुत ज्यादा कम होता है, मीन्स एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए आप रोटेशन ड्रैग करने जाओगे लॉन्ग रेंज में तो आपका गोली भी रिक्वायर कर देगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपना जो एम है एनिमी से थोड़ा सा ही दूर रखना है और नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग करना हेड के लिए, आपका वन टैप एकदम इजीली लगेगा। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो मेरा जो एम है एनिमी से थोड़ा सा दूर है, मैंने नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग किया हेड के लिए और मेरा वन टैप एकदम इजीली लग गया। और इसमें एकदम से आप अपना एम एनिमी के बॉडी के ऊपर रखोगे और ड्रैग करोगे तो रिक्वायर भी कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा दूर रखना, और दूर मतलब इतना भी ज्यादा दूर मत रखना जिससे आपका जो एम है आसमान में चले जाए
और एनिमीज आपको वन टैप दे दे जबकि आपको उसको वन टैप देना था। इसीलिए ध्यान में रखना आपका जो एम है थोड़ा सा ही दूर रहना चाहिए और नॉर्मल हेड के लिए ड्रैग करना है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि गाइस ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, इसलिए वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियो आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।